जनपद संभल के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के बीएड में निशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के बीएड में निःशुल्क प्रवेश में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस विषय में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी का कहना है कि प्रदेश आह्वान पर आज सपा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में फैली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही सरकार द्वारा एससी और एसटी के छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले फैसले को शासन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। नेतृत्व के आह्वान पर हमारे जो चारों फ्रंटल के संगठन हैं, युवक जनसभा, लोहिया वाणी छात्र सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्षों को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को भेजना था, जो जिलाधिकारी संभल के द्वारा भेजा जाना है। आज हमने वही ज्ञापन, क्योंकि हम लोगों का इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन हमारे अध्यक्ष अभी नए बने नहीं हैं चारों फ्रंटल के, तो इसलिए आज मैं और हमारे जिले के महासचिव और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज यहां पर उनके बीच में आए और हम लोगों ने एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा किसान बेहाल है, शिक्षा महंगी है, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार और रोजगार खत्म हो गए हैं और आरक्षण पर वार हो रहा है। यूपी में बीएड जो प्रवेश परीक्षा है उसमें दलित छात्रों को निःशुल्क जो होता था उनका, उस पर रोक लगाने का काम इस सरकार ने किया है, तो उसी को लेकर के आज हम सब लोगों ने यहाँ आकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए एक एडीएम साहब के द्वारा एक ज्ञापन भेजने का काम किया है, जिस पर जो सरकार आज जो अत्याचार कर रही है और जो हमारे लोग परेशान हैं, चाहे किसान यूरिया को लेकर के परेशान हो, उनको उसकी जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उसको लेकर के परेशान हो, आज हम लोगों ने इसलिए ताकि इस सरकार की आंखें खुल जाएं और ये हमारे जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को हल करने का काम करें। और जो आज हमारा जो नौजवान हैं, जो सरकार ने वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं बल्कि 2 करोड़ नौकरी लेने का वादा इस सरकार ने किया था। और आज हमारा नौजवान बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, तो मैं इस सरकार से आह्वान करूँगा कि हमारे नौजवान को जो भी हो उसके हिसाब से नौकरी दी जाए और जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का काम किया जाए। बहुत बहुत सब लोगों का, जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।